हाय एवरीवन, फिर से आप एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की यह वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप जब वीडियो अपलोड करते हैं तो फ्रेंड अपलोड किया हुआ वीडियो का आप किस तरह से एडिटिंग कीजिएगा। जैसे कि फ्रेंड वीडियो अपलोड करते समय होता है कि फ्रेंड बहुत सारी ऐसा सेटिंग है जो करना पड़ता है। जैसे हो गया फ्रेंड टाइटल लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना, वीडियो लैंग्वेज सेलेक्ट करना, उसके बाद आपका कैटेगरी सेलेक्ट करना, उसके बाद आपको जो है टैग लगाना। तो ये सारी सेटिंग जो है ना फ्रेंड वो करना पड़ता है जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उस समय, ठीक है फ्रेंड। तो उसी समय करते वक्त ऐसा होता है फ्रेंड, कभी कभी होता है क्या, मिस्टेक हो जाता है और आप वीडियो अपलोड कर देते हैं। जब वीडियो आप अपलोड कर देते हैं उसके बाद पता चलता है गाइस जो इस वीडियो में हमें डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में या और अन्य कोई भी चीज में हमें मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप सोचते हैं क्या, जो आप वीडियो के एडिटिंग कैसे करेंगे, जो वीडियो अपलोड हो गया है अब उसको एडिटिंग कैसे करेंगे और कहां से करेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है फ्रेंड, उसमें पता ही नहीं रहता है आपको जो कहां से करेंगे। तो गाइस यही सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट देने वाले हैं, जो आप किस तरह से अपलोड किया हुआ वीडियो को एडिटिंग कर पाएंगे बहुत ही सिंपल तरीका से। तो गाइस इसलिए आप इस वीडियो का कंप्लीट देखिएगा। तो गाइस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे फ्रेंड ये हुआ कि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, क्योंकि गाइस इस चैनल पर जो है हमेशा इस तरह की हेल्पफुल कंटेंट देखने को आपको मिलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश राज, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल राजे ऑफिशियल ट्रिक्स। तो चलिएगा इस वीडियो में देखते हैं जो किस तरह से अपलोड किया हुआ वीडियो को एडिटिंग किया जाएगा और कहां से किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में चलिए देखते हैं। तो चलिए अगर यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद यहाँ से फ्रेंड आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए फ्रेंड आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं www.youtube.com, ठीक है। यहाँ से आप सर्च करके आगे बढ़ सकते हैं। एंड फ्रेंड आप यहाँ पर देखिए YouTube लोगो दिखता होगा नीचे में, इस लोगो पर भी अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलेगा जहाँ से फिलहाल में हम जो है इस लोगो पर ही क्लिक करते हैं। लोगों पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में फ्रेंड आपको दिख जाएगा 3 डॉट बिंदी बिंदी टाइप का, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड आपको नीचे में दिख जाएगा डेस्कटॉप साइड, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड आपका फोन जो है फ्रेंड डेस्कटॉप साइड में खुल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको बेल आइकन के साइड में यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा यूट्यूब लोगो, जो भी आप अपने चैनल पर लोगो लगाए रहेंगे वो लोगो आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस लोगो पे आपको क्लिक करना होगा। इस लोगो पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड आपको योर चैनल का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड आपका चैनल कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए फ्रेंड आपको दिख जाएगा कस्टमाइज चैनल, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद देन आपको यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखने को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से फ्रेंड आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ देखिए वीडियो टैब का एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ये वाला, यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ होगा कि फ्रेंड आप अपने चैनल पर जितना भी वीडियो अपलोड किए रहेंगे वो सारी वीडियो यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ देखिए दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड आपको जिस भी वीडियो में एडिटिंग करना हो, ठीक है, उस वीडियो पे आपको क्लिक करना होगा। तो कैसे करेंगे फ्रेंड, यहाँ देखिए इस वीडियो पे ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए फ्रेंड आपको दिख जाएगा पेंसिल का आइकन। यहाँ देखिए यह है ना पेंसिल का आइकन फ्रेंड, इस आइकन पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। इस आइकन पे आपको इस प्रकार से क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपका वीडियो का जितना भी डिटेल आप यहाँ पे टाइप किए रहेंगे वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए फ्रेंड सबसे ऊपर में आपको टाइटल दिख जाएगा। अगर आपको टाइटल एडिटिंग करना है तो आप यहाँ से टाइटल में एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन एडिटिंग करना होगा तो यहाँ देखिए ये सारी डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी एडिटिंग करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ देखिए फ्रेंड आपको दिख जाएगा यहाँ पर थंबनेल, ये थंबनेल भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट, ये भी एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए फ्रेंड आपको नीचे में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा नीचे में, शो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको टैग वगैरह ये सारी दिख जाएगा, यहाँ से आप टैग भी जो है एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप यहाँ पे ऑल टू ऑल एडिटिंग कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। मान के चलिए अगर फ्रेंड आपको पब्लिक या अनलिस्ट करना होगा तो यहाँ देखिए इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिख रहा है ना फ्रेंड, प्राइवेट, अनलिस्ट, पब्लिक, ये सारी ऑप्शन दिख। तो जिस भी ऑप्शन पर आपको अगर सेट करना होगा उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको साइड में दिख जाएगा डन का ऑप्शन, यहाँ पर देखिए, तो इस डन पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर देखिए अनलिस्ट पर हम क्लिक किए, ठीक है, और यहाँ देखिए फ्रेंड डन का ऑप्शन आ गया है ना, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपका वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल फ्रेंड हमें यहाँ पे ये पब्लिक ही सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से हमें बैक चलना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको इन स्क्रीन दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ इसको भी आप एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कार्ड ऑप्शन दिख जाएगा, एक कार्ड भी आप एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड अभी कुछ नहीं है, यहाँ देखिए कुछ तो है नहीं लिखा है फ्रेंड, यहाँ पर हम जो है आप कुछ टाइप करेंगे, ठीक ठीक है, आपको दिखाने के लिए कुछ यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे। मान के चलिए फ्रेंड यहाँ पर हम टी 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 यहाँ पर देखिए ये इतना सारी ये टाइप कर लिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड टाइप हो गया है, और टाइप करने के बाद आपको हम दिखाते हैं जिसे कहाँ से सेव करना होगा। यहाँ देखिए फ्रेंड आपको दिख जाएगा सेव का ऑप्शन है ना फ्रेंड, ये सेव वाली ऑप्शन, इस सेव वाली ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। इस सेव वाली ऑप्शन पर जो ही आप क्लिक करेंगे ना क्या होगा फ्रेंड, उसके बाद आपका एडिटिंग जो भी आप किए रहेंगे वो सारी यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से आप अपने वीडियो में एडिटिंग कर सकते हैं जब आप अपलोड कर लेंगे फिर भी, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड यहाँ से आप बैक चलते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरह से अपलोड किया हुआ वीडियो को एडिटिंग किया जाएगा, वो भी बहुत ही सिंपल तरीका से। तो गाइस आप जरूर समझ गए होंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो का लाइक करें, कमेंट करें, प्लस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और गाइस इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजिंग होगा किसी भी पार्ट में तो आप जरूर आप अपने भाई की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें ये बता देते हैं, अगर फ्रेंड आपको यूट्यूब रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए या यूट्यूब चैनल के सेटिंग के रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो फ्रेंड आप अपने भाई के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपका भाई आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के जरूर देगा। तो गाइस जाते जाते आप अपने भाई के इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस आप एक लाइक कर देते हैं तो उससे क्या होता है पता है फ्रेंड, आपका भाई काफी मोटिवेट होता है और आपके लिए इस तरह के हेल्पफुल कंटेंट बनाने के लिए हमेशा उत्साहित रहता है। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तो फिलहाल गाइस ओके बाय।